पर कर लेते हैं बीकानेर से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल बीकानेर के नापासर से एक खबर है। नापासर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकों की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। नापासर संघर्ष समिति के बैनर तले कस्बे के लोगों के अनिश्चितकालीन धरने और भूख हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। स्थानीय लोगों की मांग है कि चिकित्सकों के 7 में से 5 पद खाली पड़े हैं। पदों को भरने और महिला चिकित्सक लगाने तक भूख हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान प्रभारी डॉक्टर प्रकाश दया ने यह भी बताया कि वर्तमान में अस्पताल में रोजाना का 500 के करीब का आउटडोर यहां पर रहता है और 2 चिकित्सक कार्यरत हैं। कुल 7 पद यहां पर हैं, जिनमें से 5 पद खाली हैं। वहीं ग्रामीणों ने सीएमएचओ का पुतला भी फूंका। दरअसल सीएमएचओ ने ग्रामीणों की इस मांग पर सलाह दी थी कि अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाए, तब समस्या का समाधान होगा। सीएमएचओ साहब की बातचीत का ये ऑडियो भी वायरल किया जा रहा है। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, माना जाए कि अगर सीएमएचओ साहब की बात को सही मान लिया जाए तो माना जाए कि 20 साल के बाद इस अस्पताल के सारे पद भरे जाएंगे। बिल्कुल विजेंद्र, ग्रामीणों का भी यही कहना है जो आप कह रहे हैं। सीएमएचओ ने जो, हालांकि वो नेक सलाह थी, लेकिन उस सलाह को मुझे लगता है कि परिस्थितियां जो थी देने की वो सही नहीं थी। उन्होंने कहा कि साहब डॉक्टर्स की कमियां हैं, आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उनको डॉक्टर बनाएं। तो जो व्यक्ति फोन पर बात कर रहा है उसने भी सीएमएचओ को यही कहा कि साहब 15 से 20 साल लग जाएंगे, तब तक हमारे लोग यहाँ पर कैसे करेंगे। और चूंकि नापासर अपने आप में एक बड़ा कस्बा है विजेंद्र, यहाँ पर बड़ी संख्या में आउटडोर पेशेंट भी आते हैं और 7 में से 5 पद रिक्त हैं डॉक्टर्स के, और इसके अलावा महिला जो डॉक्टर है उसका पद भी खाली है। तो इस बात को लेकर लगातार यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, दूसरा दिन है। आज सीएमएचओ का पुतला भी यहाँ पर फूंका गया है। तो निश्चित तौर पर जो कई बार होता है कि बात कहने का जो तरीका होता है वो नागवार गुजरता, और वैसा ही सीएमएचओ देवेंद्र चौधरी के साथ यहाँ पर हुआ है, और उसी के चलते ऑडियो भी वायरल हुआ है और उनका विरोध भी हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे पुतला यहाँ पर आज फूंका गया। जी चलिए, शुक्रिया आपका लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। तो बीकानेर के नापासर से अहम खबर है, जहां सीएमएचओ का वीडियो भी वायरल हो रहा है। अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने की सलाह उनकी तरफ से दी गई है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की ये मांग, जिसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की जा रही है इन लोगों की तरफ से। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं।